आपने जब काम करना शुरू किया होगा तो आपका पहला काम कौन सा था, कैसे आप LIC में आए, और फिर LIC में भी आपने कौन कौन सी हायरार्की को पार करते हुए आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने? मैं इस मामले में थोड़ा सा और लोगों से अलग रहा। अच्छा। मैं नौकरी शुरू करने से पहले ही समाज सेवा के काम में लगा था, और मैं अक्सर जिस क्लास में पढ़ता था उसी क्लास के रूरल के गरीब छात्रों को पढ़ाता था। अच्छा। तो इस कारण से मेरा कोर्स जो है वो बहुत बार रिवाइज होता था, तो मुझे लगता था और मेरे दोस्तों को लगता था कि ये सोशल वर्क में मारा जाएगा, इसको कहीं जॉब नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैंने पहली परीक्षा दी, पहला इंटरव्यू दिया और मेरी नौकरी लग गई। अच्छा। तो 22 वर्ष की आयु में मैं LIC का प्रथम श्रेणी अधिकारी हो गया। अच्छा। और यहाँ पर आने के बाद में एक नया विश्व मेरे सामने आया। हमारा तो ये था कि भाई पैसे मिले। कौन से साल की बात है आप जब आप 1984 1984 में अब हमारा सोचता है कि अधिकारी बन गए, अब तो काम करना नहीं पड़ेगा, अधिकारी का मतलब हुक्म देना। लेकिन जब मैं उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचा बोरीवली में, तो मुझे एंट्री के साथ उन्होंने 38 मैनुअल का एक बंडल पकड़ा दिया। आप बॉम्बे से ही थे शुरू से? मैं दिल्ली से था, आया था मैं। हाँ। तो मैं जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने मुझे किताबें पकड़ाई, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा आपको पढ़नी है। मैंने कहा मैं तो पढ़कर पास होकर आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं आगे पढ़ना है। तो मेरा काफी मन उदास हो गया कि अगर अधिकारी होने का मतलब मेहनत करना है तो अधिकारी बनने का फायदा क्या। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में गया तो वहाँ पर मुझे एक केस आया जिसमें कि वो केस LIC के नियमों से वो गलत था कि उस आदमी ने मेडिकल ले लिया था खेती के लिए। तो रिकॉर्ड था कि वो छुट्टी लेता है बीमार होने की, पर जब मैं उसके घर गया तो वहाँ पर शील्ड रखी थी, वो तार गोला फेंकता था और उसके लिए वो अपनी कंपनी का ऑल इंडिया चैंपियन था। तो मैंने कहा ऐसा आदमी बीमार नहीं हो सकता। तो उसकी जब पत्नी से पूछा पता लगा कि खेती करती है, थे तो छुट्टी नहीं मिलती थी इसलिए मेडिकल देते थे। फिर मैं उस कंपनी के पास गया, उस कंपनी ने कहा हमारे तो सभी फर्जी लीव लेते हैं। मैंने कहा आप ऐसा लिख के दो। उसने कहा हम लिखेंगे हमारी बेइज्जती होगी। मैंने कहा अगर विधवा की मदद करनी है तो लिखो। उसने कहा हमने लिख भी दिया, कंपनी बदनाम हुई और फिर भी ना मिला। मैंने कहा भाई कोशिश करते हैं। तो उन्होंने लिख कर दिया कि हमारे यहाँ कर्मचारी ऐसा करते हैं। फिर मैं चिकित्सक के पास गया कि ये स्टेज का जो कैंसर है क्या ये 3 साल पहले मालूम होता है? उन्होंने कहा कि अगर तब मालूम होता तो हम इसकी कुछ आंतें काट देते। तो उस सब डाटा के साथ मैंने प्रेजेंट किया, तो मेरे जो इमीडिएट ऑफिस था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर जनरल ऑफिस गया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर आगे गया तो मैंने चेयरमैन को लिखा कि ये एक नीतिगत मामला है। लोग बहुत नाराज थे, लेकिन वहाँ से केंद्रीय कार्यालय से वो उसे हम वो कहते हैं कि दया बीमा कहते हैं एक प्रकार का ना, एक्स ग्रेशिया क्लेम, तो उसमें पास होकर आ गया। तो फिर मैं LIC से मैरिड हो गया कि मुझे वो सोशल वर्क यहाँ भी दिखने लगा जो मैं पहले कर रहा था। अब मैंने एक मतलब ना मिलने वाला क्लेम और उसकी गलती नहीं है। तो वो जब क्लेम मिला तो फिर मैं मैरिड फॉर लाइफ हो गया और मेरी पहली नौकरी आखिरी रही। मैं पूरे 38 साल इसी LIC में ही काम किया, विभाग बदलते रहे, नए अनुभव आते रहे, और उसमें फिर मैं सेल्स, IT के मार्केटिंग हो गया, फिर उसके बाद में जिसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहेंगे या विजिलेंस कहेंगे उसमें चला गया, समूह बीमा में चला गया, वापस RM मार्केटिंग बन गया और फिर टैलेंट मैनेजमेंट और ट्रेडिंग में आ गया। तो इस प्रकार से कंपनी सेम रही पर स्टेशन इतने बदले कि आप ये नहीं कह सकते कि आप बोर नहीं हो पाए, चैलेंज हमेशा नए आते गए। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।